वेलकम टू प्रशांत लर्निंग स्टेशन। कौ इंग्लिश, इंग्लिश की क्लास कौन सी हमारी? इंग्लिश की क्लास है ये हमारी सिक्स, और धीमे धीमे हम सिलेबस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे भाई प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ ली। पर्सनल प्रोनाउन में भी हमने कई चीजें पढ़ ली, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ ली, सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ ली, है? और पजेसिव प्रोनाउन पढ़ ली। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है? देखो एक चीज में बताऊं, हमेशा विद्यार्थी को हमेशा सीखते समय डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा ही होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसी होती है कि जिसके साथ आए उसको मतलब इंगित करके बनाती है, जैसे दिस इज पेन। तो ये जो दिस है वो इंडिकेट करती है एक की तरफ, है ना। जब एक से ज्यादा होंगे तो लगाते दीज, दीज आर पेन्स, सही है, दीज आर पेन्स। अगर इसके बाद अगर एक और बात करें हम, तो क्या करेंगे? पास के लिए तो ये है दिस और दीज, और दूर के लिए क्या करेंगे? दैट, दैट वाज एज एन इवेंट, ऐसे कुछ भी है, हॉरिफिक इवेंट या डेडफुल इवेंट, एनीथिंग एल्स यू नो। अब अगर दोज लगाएंगे तो दोज वर अवर मास्टर्स। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसी बात बोले कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दीज दोज दैट, है ना, अगर इनके तुरंत बाद क्या है? एडजेक्टिव आए। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो ये फिर एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं। अगर दिस के बाद कोई नाउन आए तो ये किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की। अगर दिस के बाद नाउन आए तो फिर दिस ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस पेन इज माइन, तो यहां पे दिस एक पेन तो नाउन है, और दिस क्या भाई? एडजेक्टिव। रिमेंबर दैट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। एंड राइट नाउ हम अब पढ़ते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, या बोले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखो बच्चा पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ वो प्रोनाउन होती है जिसमें क्या है? सेल्फ, है ना। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, सही है, और बताओ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और themselves। अब बच्चा पार्टी देखो, इसका अब इनका सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग बताता है कैसे काम करना है। अगर ये सब्जेक्ट, अगर ये किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तो बोलते हैं इसे इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाए तो इम्फेटिक प्रोनाउन, अगर किसी बात को लौट के कहने के लिए कही जाए तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर किसी बात को लौट के कहने के लिए कही जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव माने सीसा रख दिया है उसी बात को लौट के। जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे मैं बोलूं राम हिमसेल्फ वॉन वॉन द वॉर, तो राम हिमसेल्फ वॉन द वॉर, तो ये हिमसेल्फ शब्द है ना, हिमसेल्फ शब्द बताओ किसको प्रभावित करता है भाई? ये हिमसेल्फ शब्द राम के ऊपर एम्फेसाइज करता है, जोर डाल रहा है, तो यहां पे ये क्या हो गया भाई? ये हिमसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन हो गई, है ना। राम, राम किल्ड रावण हिमसेल्फ। अब यहां पे वर्ब के बाद जब हिमसेल्फ आ रहा है तो ये किसकी तरह प्रयोग कर रहा है? रिफ्लेक्सिव की तरह प्रयोग कर रहा है। यही दो बेसिक अंतर है। ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें ये वाली बात, जैसे मैं बोलूं माई सेल्फ इज राम,
ये क्या है? वैसे हमेशा प्रोनाउन किसके रूप में प्रयोग की जा सकती है? सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन यहां प्रोनाउन होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयोग की जा रही है। प्रयोग क्यों नहीं जा रही है? शीशे में दर्पण तभी दिखेगा जब इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा, समझ में आ गई। और सेल प्रोनाउन तभी प्रयोग होगी जब इससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात याद रखनी है। तो अगर किसी भी वाक्य में सेल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रही है, पिक्चरों में आता है माई सेल्फ सुनील, माई सेल्फ रोहन, और ये इज भी नहीं आता है, दैट इज अ रॉन्ग इंग्लिश, गलत है वो। अगर कोई पिक्चर देख के इंग्लिश सीख रहा है तो उसने गलत सेंटेंस समझ लिया एक, है ना। माई सेल्फ सॉ, माई सेल्फ सॉ द जू, मैंने खुद जू देखा, सही है गलत बताओ? अरे सही है गलत। अरे भाई जब इससे पहले कोई है ही नहीं तो किसका रिफ्लेक्शन, तो यहां पे क्या आएगा? आई माई सेल्फ। इतनी ही सी बात थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और कुछ भी नहीं थी। हो गया खत्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, भाई कोई इशू नहीं है इसमें, खत्म कहानी, पैसा है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ईच, आइदर, नाइदर, है ना, ईच, आइदर, नाइदर। अगर ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्द वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो और इनके साथ तुरंत नाउन ना आए तो ये किसकी तरह प्रयोग होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। हमें समझ में आना चाहिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? एडजेक्टिव। जब ये शब्द स्वयं नाउन के साथ आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जो अलग से आ रहे हो तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव माने होता है एक एक को करके, याद रखना ये वाला नियम, अगर याद रहेगा एक एक को करके तो कभी भूलोगे नहीं। जैसे ईच, आइदर, अगर ये शब्द आए और इनके बाद ऑफ सिस्टम आ रहा है तो जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा भाई? प्लूरल आएगा। एक एक करके बांटेंगे तो एक में बांटेंगे, बहुतों बांटेंगे, और जब एक एक करके बांटेंगे तो बर्फ सिंगुलर होगी या एक सिंगुलर से ज्यादा होगी? प्लूरल होगी। अरे भाई सिंगुलर होगी, एक एक करके बांट रहे हैं तो यहां पे बर्फ कैसी आएगी? बस नियम तो बस इतना याद रखना और कुछ रखना ही नहीं है याद। है देखो ऐसे, ईच ऑफ द वॉइस इज हेल्पिंग अस, तो बताओ यहाँ पे इज आएगी, यहाँ पे बॉय आएगी, यहाँ पे आर आएगी, बताओ कौन सा सही है? अरे भाई क्या बोला, ये क्या लिख रहा है इधर? ये इसके अनुसार नहीं लगाना है, इसके अनुसार लगाना है। तो ईच ऑफ दी बॉय इज आएगी, इज न कि आर आएगी। जब इतना सीख गए हो तो ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स आर या इज ऑनेस्ट, भाई टू आ जाए चाहे नाइन आ जाए चाहे टेन आ जाए, चाहे पूरा स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स तो ही है, आएगी हमेशा क्या? इज आएगी। कोई समस्या? अब देखो इसे एडजेक्टिव की तरह कैसे करेंगे? ईच बॉय इज हैप्पी। अब यहां पे नाउन सिंगुलर आती है, ईच बॉय इज हैप्पी की तरह प्रयोग हो रहा है। अब ये नाउन सिंगुलर आएगा एडजेक्टिव की तरह, अब तो ये एडजेक्टिव बन गया, अब कोई प्रोनाउन थोड़ी नहीं है, समझ में आ गई। अब देखो एक और दो बात और बता दें, एक दो बात ये है, अगर वाक्य में आइदर आए तो आइदर दो में से एक को चुनने की बात करता है। आइदर कितने में चुनने की बात करता है? दो में से एक की चुनने की बात करता है। अगर एनी या एनी वन आए, एनी या एनी वन आए तो ये क्या करता है? कईयों में से एक चुनने की बात करता है। दो में से एक चुनने की बात करना कौन करता है? आइदर करता है। और कईयों में से एक चुनने की बात करता है कौन करता है? एनी करता है। नहीं बात जैसे आइदर मोहन और सोहन हेल्प्स मी, पता हेल्प से आएगी या हेल्प आएगी, हेल्प आएगी, बताओ सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? बर्ब
सिंगुलर आएगी तो या तो मोहन ने या सोहन ने तुम्हारी मदद की है, तो किसका प्रयोग किया है? आइदर का। कोई समस्या? अब देखो, ही हैज बॉट, मैं लिख रहा हूं यहां पे आइदर या एनी, आइदर या एनी ऑफ थ्री बुक्स, बताओ कौन सी आएगी? एनी आएगी, आइदर नहीं आएगी। एनी वन भी आ सकती है, एनी वन भी आ सकती है, नाइदर और नन। नाइदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। नन का प्रयोग किया जाता है नाइदर का, और नन का प्रयोग किया जाता है किसी में से कोई नहीं, दो से अधिक, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं है, सही है कि नहीं? तो देखो भाई कैसे, नीदर, नीदर राम नॉर श्याम वर्क्स हार्ड, ना तो राम कठिन परिश्रम कर रहा है और क्या कर रहा है, नन ऑफ दीज बॉयज इज वर्किंग हार्ड। आएगी सिंगुलर ही, तो नन आई है दो से अधिक के लिए और नाइदर आई है किसके लिए? दो के लिए। देखो एक होती है बोथ और एक क्या होती है? ऑल। एक होती है बोथ और एक क्या होती है? ऑल। तो बोथ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बोथ का प्रयोग करते हैं दो के लिए और ऑल का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए, पॉजिटिव वाक्य में है? तो बस बताओ, बोथ ऑफ these two boys are या is playing, ये वाला सही है, आर आई या इज आएगी, कर दी ना खेल खराब भाई। वो आइदर जो थी वो सिंगुलर के लिए थी, बोथ माने दो, तो यहीं पे कर दिए तुमने, और ये किसके लिए है? दो के लिए, और यहाँ का मतलब नहीं बॉयज हो गया, यहाँ का मतलब तो ठीक है नहीं है, लेकिन बोथ तो दो हो गए ना, तो दो के साथ क्या आएगा भाई? यही कॉमन एरर समझ में आने चाहिए हैं। अब देखो ऐसे करें, ऑल ऑफ फाइव स्टूडेंट्स आर या इज एब्सेंट, बताओ कौन सा सही है? क्या सही है? एक तो यहां फाइव स्टूडेंट्स आएगा और आर ही आएगा, एकदम सही है। तो ये हमारी नाउन, मतलब नाउन के साथ साथ हमारा क्या खत्म हो गया? प्रोनाउन खत्म हो गया, इतना ही सही है और क्या सीखने का। वैसे एक आध और कर सकते हैं हम, करना चाहो तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, करना चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन है, मार्कर ही नहीं चल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट एज और बट और साथ में वॉट, इन शब्दों को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें तो समझ ही गए होंगे किसका काम कर रहे होते हैं, वहां पे सब्जेक्ट की तरह बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आरबी और आरएस को किसे जोड़ रहे होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड से, और दैट भी जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? तो वो सब किसके उदाहरण होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के। एकदम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, एकदम यूनिटरी नहीं, अकेले में नहीं भाई कि बस इतना पढ़ रहे हो तो इतना ही। अगर हम कनेक्शन यहाँ का यहाँ लगा पा रहे हैं तो पढ़ाई सफल है, और वही तरीका अच्छा है, कम पढ़ोगे ज़्यादा सीखोगे। और यहाँ पे क्या है, अगर एक ही लाइन पढ़ रहे हो तो फिर उतना ही सीखोगे जितना पढ़ रहे हो। तो देखो ऐसे, तो ये हु क्या है, अब हमें ये समझना है, मैंने एक दिन बताया भी है तुम्हें, अगर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है प्लस यहाँ पे नाउन या ऑब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, मानो हु आ गया,
और हु के तुरंत बाद, वैसे तो हु के तुरंत बाद सब्जेक्ट भी आता है इंटरोगेटिव में, अगर हु के तुरंत बाद यहाँ पे वर्ब आ गई और प्लस अदर वर्ड आ गई, तो ये जो वर्ब आती है वो किसके परिणामसार आती है, जो हु के तुरंत बाद पहले जो नाउन या ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं, ये बताया था। तो देखो, आई 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 इज कॉल्ड रोहन, हु आर हु इज हु एम अ स्टूडेंट। तो बताओ कौन सी बात सही है यहां पे? अगर हम रोहन के अनुसार लगाएंगे तो यहां पे क्या आएगा भाई? ए जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे, सी टॉट मी हु इज हु इज अ लर्नर। बताओ यहां पे क्या आएगा? मी के अनुसार आएगा और यहां पे आएगा भाई एम। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसे ऐसे करोगे तो ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउन भी पूरी की पूरी हो जाएगी, और कुछ करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं है। कहीं भी कॉमन एरर करने की, सॉल्व करने की कोशिश करो, कहीं भी गलती हो तो मुझे बताओ, और कल हम पूरे के पूरे, कल मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे कॉमन एरर्स करेंगे, और वो भी रिलेटेड किससे होंगे? नाउन से, प्रोनाउन से। तो नाउन और प्रोनाउन पूरी खत्म हो जाएगी और कल ही हम शुरू कर देंगे एडजेक्टिव, ठीक है। थैंक यू।